नमस्कार दोस्तों, एसके हाउस प्लान में आप सभी का स्वागत है। आज मैंने आप सभी के लिए 22 फिट बाई 44 फिट का हाउस प्लान तैयार किया है। इसमें वन साइड रोड और थ्री साइड अदर प्रॉपर्टीज है। आप सभी को मेरा बनाया हुआ हाउस प्लान पसंद आएगा। आप सभी वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करें, और जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन का बटन दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आप सभी को मेरे बनाए हुए हाउस प्लान पसंद आ रहे हैं, आप मेरी वीडियो लाइक कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्लान देखते हैं। ये हमने ग्राउंड फ्लोर प्लान तैयार किया है और ये रोड साइड है। इधर प्लॉट का साइज है 22 फिट वाइड। ये यहाँ पर हमने मेन गेट दिया है, मेन गेट हमारा 10 फिट वाइड है, और यहाँ पर ये पोर्च के लिए स्पेस है 10 फिट बाई 16 फिट 3 इंच। यहाँ पर हम अपनी गाड़ी पार्क करेंगे, और यहाँ से ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए हमने स्टेयर्स दिए हैं। ये 3 फिट वाइड स्टेयर्स हैं। इसके नीचे का स्पेस भी खाली रहेगा तो हमारी गाड़ी आसानी से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी के बराबर में ही हमने ड्राइंग रूम बनाया है। ड्राइंग रूम का साइज है 9 फिट 9 इंच बाई 11 फिट 6 इंच। इसमें 9 फिट 9 इंच ये साइड है और 11 फिट 6 इंच ये साइड है। और यहाँ ये वेंटिलेशन के लिए हमने रोड साइड में ये विंडो दी है, और इससे अटैच ये टॉयलेट है। टॉयलेट का साइज है 7 फिट बाई 4 फिट। इसमें 7 फिट ये साइड है और 4 फिट ये साइड है, और इसका ये वेंटिलेटर दिया है ओटीएस की तरफ। यहाँ पर हमने ओपन स्पेस दिया है, इससे कमरे की एक विंडो और दी है हमने इधर ओटीएस की तरफ, जिससे रूम में अच्छा वेंटिलेशन रहे। यहां से आने के बाद ये हम आते हैं लिविंग कम डाइनिंग एरिया में। इसका साइज है 14 फिट 6 इंच बाई 10 फिट। इसमें 14 फिट 6 इंच ये साइड है और 10 फिट ये साइड है। यहाँ पर हमने ये टॉयलेट बनाया है। टॉयलेट का साइज है 5 फिट बाई 5 फिट 6 इंच। इसमें ये कॉमन टॉयलेट है, 5 फिट इसका ये साइड है और 5 फिट 6 इंच ये साइड है। और यहाँ पर ये कमोड डिजाइन किया गया है, और इसके बराबर में ये ओटीएस दिया है 4 फिट बाई 2 फिट का। इसमें इसका हम वेंटिलेटर इधर दे देंगे, जिससे इसका वेंटिलेशन रहे। और यहाँ पर ये किचन है। किचन का साइज है 10 फिट बाई 7 फिट। इसमें 10 फिट साइड रहेगी और 7 फिट साइड रहेगी, ओपन किचन रहेगा। यहाँ पर गैस स्टोव और यहाँ सिंक डिजाइन की गई है, और यहाँ पर एक हाथ वगैरह धोने के लिए वॉश बेसिन भी लगा दी गई है, क्योंकि यहाँ पर हमने डाइनिंग टेबल डाइनिंग एरिया भी रखा है, तो हाथ वगैरह धोने की आसानी रहेगी। और इसी के बराबर में ये बेडरूम है। बेडरूम का साइज है 9 फिट 9 इंच बाई 10 फिट। इसमें 9 फिट 9 इंच ये साइड है और 10 फिट ये साइड है। और यहाँ वेंटिलेशन के लिए हमने ओपन स्पेस की तरफ ये विंडो दी है। यहाँ ओपन स्पेस दिया है हमने 9 फिट 9 इंच बाई 4 फिट। 9 फिट 9 इंच इसमें ये साइड है और 4 फिट ये साइड है। और यहाँ पर एक अंदर इसका यूज हो सके, इसके लिए एक डोर भी दिया है, और इसकी रूम की विंडो हमने इधर दी है। और इसी के बराबर एक ये दूसरा बेडरूम है 10 फिट बाई 10 फिट का। इसकी में वेंटिलेशन के लिए हमने विंडो ओपन स्पेस की तरफ दिए हैं। तो दोस्तों, आप सभी को ये मेरा बनाया हुआ हाउस प्लान पसंद आएगा। आप सभी वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करें, और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।